For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज अड्डा और मैं हूँ ज्योति नाहक। और दोस्तों, बिग बॉस के घर में आया एक नया दिन और नए दिन के साथ साथ मैं लेकर आ गई हूँ कल के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स। जी हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं। वेल, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बिग बॉस के घर में टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट की। सो नंबर 1, अभी तक जो घर में सबसे स्ट्रांग जोड़ी थी यानी रोमिल और सुरभि की, जो भाई बहन की जो उनकी फ्रेंडशिप थी, जो बॉन्डिंग थी, जो फ्रेंडशिप थी, सब खत्म होता नजर आ रहा है। सुरभि और रोमिल आपस में फाइट करते हुए नजर आए, जहां सुरभि जो है वो बार बार रोती हुई नजर आई, इमोशनल पड़ती हुई नजर आई। साथ ही साथ रोमिल ने ये भी कहा कि अब जो है, अब सिचुएशन में अपनी ईगो पे ले चुका हूं कहीं ना कहीं। तो इनफैक्ट जब टास्क दिया गया टीआरपी टास्क, उसमें भी रोमिल जब सुरभि के पास अप्रोच करने जाते हैं तो सुरभि साफ साफ कह देती हैं कि मैं सेवाशीष को ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी हूं और मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो कुछ इस तरीके से इनकी दोस्ती जो है अब वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। और सुरभि इनफैक्ट रोहित से बात करती हुई नजर आई, जब रोमिल मेघा को कन्विंस कर रहे थे कि वो उन्हें सपोर्ट करे, जसलीन को कन्विंस कर रहे थे, सबको कन्विंस कर रहे थे। तो सुरभि जो है वो रोहित को ये कहती नजर आई कि आप रोमिल को देखो, सबके पास जाके कन्विंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैक बिचिंग अब चालू हो चुकी है सुरभि की तरफ से। नंबर 2, बिग बॉस में न्यू कैप्टनसी टास्क आया, जहां रोमिल और सेवाशीष के बीच में रखा गया टीआरपी टास्क। इस चैट शो में एक टास्क ये था कि आपको घर के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए आपको डिफरेंट चीजें शो करनी है। घर के टास्क के दौरान जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए कि जो रिमोट दिया गया था टीआरपी टास्क के लिए वही टूट गया। और इस गुस्से में आकर बिग बॉस ने ये कह दिया कि ये टास्क जो है वो रद्द किया जाता है, और सभी को बाहर निकाला घर से और वो पूरा सेटअप जो था वो हटा दिया। और सभी घर वालों को डांट भी लगाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर बार टास्क रद्द होता है। जितने रद्द टास्क इस सीजन में हुए उतने कभी नहीं हुए। नंबर 3, घर वालों को दिया जाता है नया टास्क जिसका नाम है टॉर्चर टास्क। उस टास्क में दो कुर्सियां लगाई जाती हैं गार्डन एरिया में, जहां पर एक तरफ रोमिल बैठते हैं, एक तरफ सेवाशीष बैठते हैं, और जो भी इंसान जिसको सपोर्ट कर रहा है वो उसके ऑपोजिट कंटेंडर को जाकर टॉर्चर कर सकता है ताकि वो कुर्सी छोड़ दे और जो भी कुर्सी पर बचता है वो फाइनली कैप्टन बन जाता है, यानी कि रोमिल। जी हाँ, काफी ज्यादा लोग जो दीपक है वो काफी टॉर्चर करते हैं, पानी फेंकते हैं और फिर बिग बॉस चिल्लाते हैं कि पानी नहीं फेंकना है, लिक्विड का यूज नहीं करना है क्योंकि माइक खराब हो जाएगा। ऐसी तमाम चीजें होती हैं, कचरा फेंका जाता है, पाउडर फेंका जाता है, बहुत सारी चीजें फेंकी जाती है, अंडों तक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं दीपक, जो कि श्री के अंडे होते हैं, उस पर दीपक और दीपिका और मेघा की फिर बहस हो जाती है। इन सब तमाम चीजों के बाद जब फाइनली एक अरसा बीत जाता है तब सेवाशीष जो है वो हार मान लेते हैं और जाकर यू नो गिव अप कर देते हैं। वो उठ जाते हैं चेयर से बेसिकली आफ्टर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग फाइट, और रोमिल बन जाते हैं घर के न्यू फिज कैप्टन। नंबर 4, श्रीसंत और दीपक में टास्क के दौरान, टॉर्चर टास्क के दौरान बहुत लंबी फाइट हो जाती है, यहाँ तक कि इतनी कि श्री इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो दीपक को मारने तक जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं देख के पहली बार ऐसा लगा कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे श्री, और वो जाकर फिर टास्क छोड़कर साइड में बैठ जाते हैं और फिर दीपक उन्हें कहते हैं कि आपको तो घर से निकल जाना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीजें होती है, तमाम बातें होती है इन दोनों के बीच में। यहाँ तक कि श्रीसंत जो है वो उन्हें ये तक कह देते कि तुम अपनी औकात में हो और ये सारी चीजें कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक और श्रीसंत लाइमलाइट लेकर चले जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी फाइट हो जाती है दोनों के बीच में। नंबर 5, वेल, घर में हलवे को लेकर बहुत हलवा बना। जी हाँ, हलवे को लेकर हलवा इसलिए बना बिकॉज टॉर्चर टास्क चल रहा है जहां पर दो लोग जो उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं पे, उन्हें बांधा गया है उस चेयर से, वो बंध चुके हैं। जैसे भी के वी जो कि संचालन कर रहे होते हैं टास्क का, जब दीपिका उनके लिए हलवा लेकर आती है, दीपिका उन्हें हलवा देती है और वो हलवा खा रहे होते हैं, तो श्रीसंत इस बात पर काफी गुस्सा हो जाते हैं कि सामने दो लोग ऑलरेडी इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, आप कैसे वहां बैठकर हलवा खा सकते हैं मस्ती मजाक में। आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा टॉपिक था एग्जैजरेट करने के लिए, लेकिन फिर श्री को इतना बुरा लग जाता है, श्री फिर अंदर जाकर रोते हुए नजर आते हैं कि दिस इज इनह्यूमैनिटी, द वे पीपल आर प्लेइंग दिस इज इनह्यूमैनिटी और ये सारी बातें। फिर दीपिका सृष्टि में जाते हैं मनाने के लिए एज यूजुअल, और फिर दीपिका उन्हें मनाती हैं और फिर वो दीपिका को सॉरी कहते हुए भी नजर आते हैं, फिर भाई बहन का प्यार वापस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से खत्म हुआ कल का पूरा दिन बिग बॉस के घर में। और आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मूवीज अड्डा और आने वाली गॉसिप्स के साथ अपडेट होते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।